हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नए एपिसोड में। 3 दिन बाद बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो रही है डंकी फिल्म। दोस्तों, इस फिल्म से बहुत ज्यादा उम्मीद है और बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर का एक और रिव्यू आ रहा है। लगातार मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर क्या कह रहे हैं, मैं तमाम चीजें आपके सामने रख रहा हूँ। और एक और बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर का ये बहुत बड़ा बयान आ चुका है, बहुत बड़ी बात वो कह रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सेंसर में इसे स्टैंडिंग ओवेशन मिलने की बातें सामने आ रही है। इस बात को भी काफी ज्यादा इन्होंने रखी है सही तरीके से कि भाई ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सेंसर में बहुत जानने वाले लोग हैं, वहां से ये खबर निकल के बाहर आई है कि स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया है, यानी कि इस फिल्म को सैल्यूट दिया गया, सलामी दिया गया है कि ऐसी फिल्में इंडिया में बननी चाहिए। अब फिल्म का प्लॉट क्या है दोस्तों, फिल्म किस तरह से है, इसी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे बड़ी बात, और जो कि आप लगातार मेरे वीडियो में देखते होंगे, मैं कई बार आपको कहा है कि शाहरुख खान ने स्वदेश जैसी फिल्म की थी जो कि नहीं चली थी। बहुत सारे रीजन थे नहीं चलने के। एक तो सबसे बड़ा रीजन था कि फिल्म में एंटरटेनमेंट नहीं था। फिल्म बहुत डार्क थी, बहुत टचिंग फिल्म थी, लेकिन एंटरटेनमेंट नहीं था। दोस्तों, ऑडियंस को चाहिए एंटरटेनमेंट। फिल्म में सिर्फ 3 वजह चलती है दोस्तों, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। वो चीज अगर मिसिंग हो जाए तो फिर ज्यादा दिन तक ऑडियंस उसे नहीं देखेगी। लेकिन अगर स्वदेश जैसी फिल्म को आज दोबारा बनाया जाए एंटरटेनिंग तरीके से, तो फिर वो बॉक्स ऑफिस पे बहुत तगड़ा बिजनेस करेगी। हालांकि स्वदेश दोस्तों मेरी फेवरेट फिल्म है और ये कल्ट फिल्म है, क्लासिक फिल्म है शाहरुख खान की, लेकिन उसमें एंटरटेनमेंट की कमी थी। सेम माय नेम इज खान, दोस्तों माय नेम इज खान एक बहुत टचिंग सब्जेक्ट था, लेकिन उसमें भी एंटरटेनमेंट नहीं था, यानी कि बहुत डार्क फिल्म थी, एंटरटेनमेंट नहीं था। और अब जो ये फिल्म है, राजू हिरानी ने जो बनाया है, शाहरुख खान ने जो बनाया है डंकी, इस फिल्म के बारे में कहा जा रहा है, सीधा मैं आपको अगर एक शब्द में कह दूं कि ये दोस्तों क्लासिक फिल्म है। इस फिल्म को क्लासिक फिल्म बताया जा रहा है, आइकॉनिक फिल्म बताया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर कह रहे हैं कि ये फिल्म ऐसी है जो दिल को छू लेने वाला है, मतलब आपके दिल को छू लेने वाली फिल्म है। और कई सालों तक ये फिल्म दोस्तों लोग याद रखेंगे। बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि ये फिल्म कई सालों तक लोग याद रखेंगे। बहुत ही टचिंग फिल्म है दोस्तों, दिल को छू लेने वाला फिल्म है। बहुत ही दोस्तों सेंसिटिव फ्लेवर है इस फिल्म में, नाजुक फिल्म है। कहते हैं ना कि बहुत ही सेंसिटिव चीजें हैं, बहुत हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस फिल्म में नॉस्टैल्जिया फैक्टर भी है, यानी आपके दिलों पे छाप छोड़ जाएगी फिल्म और पुराने यादें दोस्तों ताजा हो जाएगी। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्या आपके दिलों पे छाप छोड़ जाएगी। वही मैं कह रहा था ना कि 10 साल 15 साल तक ये फिल्म आप याद रखेंगे। परफॉर्मेंस, ये आप पूछेंगे परफॉर्मेंस किसका बेस्ट है फिल्म में, तो शाहरुख खान और बोमन ईरानी का परफॉर्मेंस दोस्तों बेस्ट है इस फिल्म में। यानी शाहरुख खान ने अपने कैरियर में सबसे बेस्ट एक्टिंग इस फिल्म में की है, ये बात कहा जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात कहा जा रहा है दोस्तों। खुद शाहरुख खान कह रहे हैं कि ये मेरी बेस्ट फिल्म है। और बोमन ईरानी ने भी बहुत जबरदस्त काम किया है, शाहरुख खान ने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया इस फिल्म में। और ये फिल्म के बारे में कहा जा रहा है कि ये बहुत सालों बाद ऐसी फिल्म आई है जो मुखर्जी साहब की फिल्में होती थी उस तरह की ये के लिस्ट में फिल्में ऐड होगी। 2 हाथ 12 हाथ जो फिल्म आई थी, आनंद फिल्म हो गई, तो इस तरह की ये फिल्म है। ऋषिकेश मुखर्जी जो फिल्में होती थी उस तरह की ये फिल्म है। तो मैं इस फिल्म के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ दोस्तों। वो 4.5 स्टार रेटिंग दी जा रही है इस फिल्म को और कहा जा रहा है कि ये ऑल टाइम क्लासिक फिल्म होगी। कितना एक्साइटेड है दोस्तों, कितना एक्साइटमेंट आपका बढ़ गया है सुन के ये सारी बातें कि बहुत टचिंग फिल्म है, इमोशनल फिल्म है। कमेंट करें और देखते रहे FF News। जो भी जानकारी होगी दोस्तों मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। टेक केयर।